ओम प्रजापते नमः स्वाहा स्वाहा। उस पे गुड़ और दही रख लीजिएगा, इसमें जो है अच्छा से स्थापित करना, उनको दे दीजिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रूबिया जब लोग में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों एक बजे सुबह के 6 और आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। और आज हमारे बेबी के लिए खास दिन है, इसके लिए खास रस्में हम लोग कर रहे हैं, उसके लिए सारी तैयारियां हो रही है। और हम लोग तो आज उठ गए थे बहुत जल्द, लेकिन ब्लॉग थोड़ा सा लेट से शुरू कर रहे हैं। और मैडम जी एकदम आज मत पूछो काफी ज्यादा बिजी है भैया। गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्यों नहीं बिजी रहेंगे। हर लोगों का जो बेबी होता है तो सपना होता है ना कि हाँ हमारे बेबी का अन्न प्राशन हो, तो उसके लिए तैयारियां करना है। और आप सभी जानते हैं कि क्या ही बताएं, अकेला इंसान क्या ही कर सकता है। तुम लोग दोनों जो लोग हैं, दो लोग मिलकर सारा तैयारियां कर रहे हैं। सिंपल से अभी नहीं पता है, देखते हैं मायके ससुराल कोई आएंगे तो अच्छी बात है, बट हमें तो तैयारी करना है। धीरे धीरे बाबू का जितना हो सके हम डिश बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बेबी की तैयारियां में देखिए क्या क्या सब कट करके रखे हुए हैं और क्या क्या अभी बनाने वाले हैं। सारा खड़ा मसाला है, अभी इसको हल्का सा तेल में फ्राई करेंगे पहले मसाले को, क्योंकि जो भी बनाना है बिना लहसुन प्याज और सरसों तेल के बिना ही बनाना है, पंडित जी का कहना है। और इधर देखिए कुछ पटल है जो कि अच्छे से छील के हम दो कट में कट कर लिए हैं, दो टुकड़ा में। और ये रहा जो आलू उबाल लिए हैं, थोड़ा सा दूध का छेना फाड़ दिए हैं, पकौड़े वगैरह जो भी होगा पनीर का बना देंगे, जो भी है थोड़ा थोड़ा डिश सारा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और क्या बोले, एकदम समझ में नहीं आ रहा है क्या क्या करे क्या नहीं करे, जो बन पा रहा है हम कर रहे हैं, दोनों तरफ चढ़ा दिए, फटाफट हो जाएगा हमारा। अभी नहाए धोए भी नहीं है, सोच रही कि इधर बना लेंगे ना, कुछ बना लेंगे और बाकी कुछ बाद में बनाएंगे। और आपको मार्केट भी जाना है, फूल दूध सारा लेके आना है। हमको पता है, हमको बहुत सारा काम है आज, बस डूब साहब नहीं उठे तब तक जितना फटाफट काम कर लो, नहीं तो उनका अलग जो है बहाना शुरू हो जाता है। ऐसा स्कूल नहीं है फिर भी क्या कीजिएगा, छोटा है ना तो उसको लगता है कि आपको लोग लाड प्यार नहीं कर रहे हैं। और आज है झारखंड में बहुत ही फेमस क्या है, सरहुल। सरहुल तो आप सभी को हमारी फैमिली से जोहार सरहुल। सरहुल की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए फिर फटाफट आप कीजिए, हम उधर कुछ बाबू को देख रेख कर लेते हैं। और ये इतना बड़ा बड़ा आदि का टुकड़ा सभी फ्राई करेंगे इसको। अच्छा मसाला रेडी कर रहे हैं ना, क्योंकि बिना लहसुन प्याज का बनाना है। तो आज रूबी बहुत ज़्यादा बिजी है और हड़बड़ी में ये सारा कुछ एक ही में लग रहा है कि बना रहे हैं क्या। हाँ तो आलू पटल साथ में बनाना ही था, तो हमको लगा अलग अलग सब्जी बनाइएगा। नहीं अलग नहीं बनाइए, एक ही बनाइए आलू पटल। चलिए मस्त है एकदम। और इधर कुछ बनकर तैयार भी हो गया है। नहीं पता कैसा बन रहा है, लेकिन डर लग रहा है, पता नहीं कैसा बनेगा, क्योंकि कुछ लोग आएंगे तो अच्छा नहीं लगता है। नहीं जो कुछ है अच्छा ही बनेगा, अच्छा घबराए कोई बात नहीं। दो प्रकार पकौड़ी बना दिए हैं, आलू का अलग बना दिए हैं और ये पनीर का अलग बना दिए हैं, भिंडी का भुजिया बना दिए, सब्जी बना दिए। अभी हमको पूरी बनाना है, कचौड़ी बनाना है, बहुत सारा आइटम बनाना, नहीं पता कैसे बनेगा, बेबी को नहलाना भी है और कचौड़ी अलग अलग बनाना है। हाँ। कैसा है जी? सबसे मेन तो सब्जी वो बन जाता है तो बाद में निकलते रहेगा तो उधर होते रहेगा। हाँ। यूज है ना। लेकिन कैसा लग रहा है जी? देखने में अच्छा लग रहा है, बस अब सबको पसंद आ जाए। पता नहीं दोनों कढ़ाई से मिल के बना रहे, दोनों इसी से चला रहे, इसे भी चला रहे, अच्छा बन जाए। और आप जाइए फटाक से पोछा लगा दीजिए, थोड़ा मेरा हेल्प कर दीजिए और नहा लीजिए, उसके बाद बाबू को भी नहलाना है, बहुत सारा काम है, पंडित जी का आने का टाइम भी होने वाला है ना। देखो ना स्नान कराने के लिए पूरा व्यवस्था हो गया है। और यहाँ पर देखो, अरे ये नहीं है बेटा, ये लग जाएगा बेबी को बिट्टू। और ये देखिए फूल की पखोड़िया है, कुछ गुलाब और कुछ इसमें गेंदा के फूल मिला दिए हैं। और इसमें मदद कर रहे हैं हमारे डोगू साहब। और ये कितना खुश है नहाने के लिए ना, ये माँ जब से चला गया। दिखा रूबी कितना अच्छा लग रहा है, पारी छपाक छपाक। दोस्तों आज हमें इतना सारा काम है और कितना अच्छा दिन है, लेकिन मौसम एकदम बिगड़ गया है, ऐसा लग रहा है कि बारिश हो जाएगा, यहाँ कुछ ऐसा मौसम है। और आज सुबह में ना पानी टपक रहा था, ऐसा लग जाए कि मत हो ही जाएगा, हल्का हल्का गिरा था पानी, बस भगवान का थोड़ा सा और रुक जाए। और हम अभी लेके आए हैं ढेर सारा फूल दरवाजे के ऊपर लगाने के लिए। दोस्तों गेट पर एक फूल था गेंदा का, मैं लगा दिया यहाँ पर, देखिए अब अच्छा लग रहा है गेट थोड़ा। और हमारे डोगू साहब हो गए हैं तैयार। क्यों नाक में उंगली डाल रहे हैं आप, गंदा बात नहीं। आपका जूता कहाँ है, शूज? वो नहीं, वो गंदा बात नहीं करते हैं, तो इनको एकदम अच्छी तरह से
नहा धो के एकदम तैयार कर दिए, कपड़े ही पहना दिए हैं। और यहाँ घर के पास भी ये गेट के पास पर जो है ना फूल, यहाँ पर ये लगा दिए है। और बाकी कुछ और अंदर में है जो कुछ तैयारी करना है अभी। दोस्तों फाइनली पंडित जी भी आ गए और घर में कुछ बहुत काम था जो कि हम लोगों ने कर लिया है। ये पलंग जो है सबसे पहले एक साइड करना पड़ा हम लोग को, वो ऐसा वैसा था ना, अभी इधर से कर दिए हैं। और इस पर सिर्फ ये रहने दिए ताकि बैठने के लिए हो जाएगा। और सारा पूजा पाठ अभी हम लोग यहीं पर कराएंगे, चौकी रखे हैं, पंडित जी भी बैठ गए हैं, अब उनको सारा सामान देते हैं करके ताकि पूजा का जो जुगाड़ है अपना व्यवस्था वो कर सकें। अब इधर हमारे छोटे वाले सो गए हैं, एकदम तैयार करा दिए थे रूबी। कैसे सो गया बाबू? जल्दी सुला दिए, फरवरी में पूजा कर लेंगे हम लोग। और ये नया वाला साड़ी, नया कई बार पहने थे कि नहीं? नहीं, वो नया वाला साड़ी पहन लिए हैं। चलो ये भी तैयारी हो चुके हैं बस। आज का मेरा गेटअप कैसा लग रहा है? अभी चुनरी वगैरह भी लगाना हम लोग पूछते हैं। और बाकी सास मत दे दो पंडित जी को। हाँ फल और है क्या? फल फूल है और जो कुछ है वो सब हाँ हमको दीजिएगा। ये ना फल और कुछ ला रहे हैं सब सामान। नहीं सामान थाली दे दीजिएगा। थाली दो को चाहिए, थाली नए वाला निकाले थे ना, ये वाला निकाले बाबू को, उसके लिए हो जाएगा ना। काची वाला पीतल वाला उधर बगल में होगा, बगल में पीतल वाला दीजिएगा। एक और थाली मांग रहे हैं, दो चाहिए उनको। तो एक वही दे दो ना, फिर दूसरा निकालेंगे और क्या करेंगे, कैसे करेंगे? नहीं उसको धोना ही पड़ेगा, इसको लाओ धो के ला देते हैं। दोस्तों आ गए हैं केला के पत्ता के लिए। और यहाँ पर एक है जो पेड़ लगा हुआ है, इसी में से हमको काटना है। बड़ा पेड़ है, दो पत्ता काट लेंगे तो हो जाएगा काम। बड़ा वाला ये वाला कहाँ लगाना होगा? चौकी, चौकी पर रखना है ना। अच्छा ठीक है, उसको धो दे रहे हैं। उसको धोना पड़ेगा कि पत्ते धोते हैं? दो क्यों क्यों चाहिए? चार को चाहिए। अच्छा दो और ले आ देते हैं तब। धीरे धीरे एक एक करके सारा व्यवस्था यहाँ पर कर दे रहे हैं। और देखते हैं कुछ जो जो जुगाड़ घास है लाना होगा। तुलसी पत्ता और दुब घास भी। हाँ तुलसी पत्ता, दुर्वा घास। हाँ दुर्वा घास है। चलिए लोग कहते हैं पूजा, लेकिन पूजा में एक चीज कुछ घटते ही रहता है। और घर में तो खैर घास उस है, दिक्कत नहीं है। दुबिया घास ये सबका लोचा नहीं कि कहीं बांस लाना है। तुलसी पत्ता भी ला दे रहे हैं। रसी देना। अच्छा मोली धागा सुना। फोटो देख के सब निकाल दो जो जो चाहिए। अच्छा हाँ उड़ गया ना। एक ही फोटो चाहिए ना। डुगो आप भागिए, ये गंद मतलब पूजा होगा, इस पूजा अभी होगा। आप पहले जूता खोलिए, बाहर जाइए जूता खोलिए। इन लोग का यही तो आदत है, कुछ हो जाए ना पहले इन लोग को चाहिए। ऐसे सब कुछ और है ना कि कुछ? अरे पत्थर कुंड चढ़ बता। सब कुछ है, हवन कुंड चाहिए होगा। अच्छा हवन कुंड या फिर लोहा का कढ़ाई। तगड़ी है ना? हाँ अच्छा धो कर रख दीजिएगा तगड़ी को। धो लेते हैं। धोया हुआ है, धोया हुआ है। चलिए ठीक है, चलिए सब कुछ था व्यवस्था। हम फोटो लगाए भी नहीं थे घर में था तो हमको लगा कि शायद विष्णु भगवान जी का ही होगा। हां तो विष्णु भगवान जी उसे हम बोले थे वहां से लगा आई ये वाला फोटो रहता है। हां ये रहता है ना। अच्छा चलिए काची ने भी तो पूजा करवा रहे हम लोग ना। और किचन में जो है सारा काम हो गया, अभी तैयारी की कुछ घटा हुआ है? नहीं बस खीर बन रहा है। अच्छा पूरी बनाना बाकी। अरे चलिए खैर कोई बात नहीं। भाभी बोल रहे ना कि चीनी का बना। ये जो व्यवस्था पंडित जी किए हैं हमको बहुत अच्छा लगा, जो कि मंदिर बना दिए वो भी केला के पत्ता से। और यहाँ पर जो है सारा कुछ हम लोग कर दिए हैं, अब जाने में पर्व तैयार हो जाएंगे।
एकदम मस्त अब दिख रहा है। जाता है तब ठीक है, बाल रहे हैं वो खुल जा रहा है, बाल आदत है तीरस दूसरा कुर्ता धोती सबका बोलते हैं कि पहना जाता है तो इसी वजह से। तो दोस्तों अभी हो चुकी है हम अच्छे से तैयार और इतना हड़बड़ी में सारा काम हो रहा है ना कि समझ में नहीं आ रहा है। अभी तो कोई लोग पहुंचे भी नहीं है और टाइम देखिए 10:30 बज रहा है। इधर हमारी जो पूजा है वो पूरी है शुरू और ये पूरा दही कैसे पूरा कपा पड़ लिए है तो चलिए अभी जा रहे हैं हम लोग पूजा पहले स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि बाबू का अन्नप्राशन का भी टाइम हो रहा है, पंडित जी कहीं और भी जाना है और दूसरी तरफ भाभी जी इधर फटाफट से रेडी कर रहे हैं सारा चीज। और ये क्या हीरो जो मन कर रसो कर रहे हैं जी, कोई बदमाशी कर रहे हैं। एक चीज है मानल बात कि बेबी लोग ना जब ज्यादा घर में कुछ होता दिक्कत है तो ये लोग और ज्यादा जीत जाता है। ब्राह्मणी के घर में जाकर व्रत करते हुए ब्राह्मण को देखा, नौरदा से हाथ जोड़कर प्रणाम करो, आप यहाँ क्या कर रहे हैं, इसके करने से क्या होता है, वह विचार पूर्वक कही। ब्राह्मण बोला, मर्दों को देने वाला दुख शोक नाश करने वाला तथा सिद्धि है विष्णु भगवान की जय। अब हवन की तैयारियां हो रही है तो इसके लिए यहाँ पर हमने तगारी रख दिए हैं और इसके लिए चिंता रखे हैं और सब सामान निकाल रहे हैं धीरे धीरे। हाँ नवग्रह की लकड़ी इसमें होगी, कटोरी में भी ढाल लीजिए, देखिए कटोरी में कटोरी में भी ढाल लीजिए। पूरा भी तैयारी हो रहा है हवन करना जिसके चलते सब कुछ जुटाना पड़ रहा है। हाँ थोड़ा सा और निकाल लीजिए बस। हाँ भाभी जा जा आ गए ना लकड़ी सपोर्ट कर दीजिए उसे। हाँ ठीक है हम पत्ते पूजा करेंगे ना। हाँ हाँ पत्ता पे जो है जल छिड़कना है लीजिए वहाँ से में बैठ जाइए अच्छा से जल छिड़की हम पत्ता पर। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधुरम। मौली धागा तोड़ करके चढ़ा दीजिए थोड़ा सा। लेके आना ओम सर्वभूषाधिकेशो मे उठाना है और थोड़ा थोड़ा जो है खिलानी जैसा ऐसा स्वाहा जब कहेंगे तब डालना। चलिए उठाइए। ओम प्रजापते नमः स्वाहा स्वाहा। ओम प्रजापते नमः स्वाहा स्वाहा। ओम प्रजापते नमः स्वाहा स्वाहा। जानिए ओम विष्णुवे नमः स्वाहा। ओम विष्णुवे नमः स्वाहा। ओम हम लोग का हवन जो है यहाँ पर हो रहा था जो कि हो गया। अब कुछ बाकी है ना। अच्छा पूरी गुड़ दही थोड़ा सा खीर भी डाल डाल दीजिए थोड़ा सा पूरी के ऊपर ही ले जाना अभी डला आएगा उसके बाद जो है मार्जन होगा उसके बाद जो है समाप्त होगा हवन उसके बाद आरती करते हैं उसपे गुड़ और दही रख लीजिएगा अच्छा से स्थापित करना उनको दे दीजिए पूरा रूम एकदम अग्नि के चारों तरफ जो है तीन बार जल गिरा दीजिए पंडार दे दीजिए अग्नि के चारों तरफ जो है तीन बार जल गिरा करके पंडार दीजिए। ओम अंतरिक्ष भूम शांति इसमें बना रहे हैं। आरती का थाली तैयार कर दिए अब इसे फूल वगैरह से सजाएंगे पहले अच्छा से डालिए कपूर खोल करके इसमें रख लीजिए कपूर करुणावतारं संसारसारं कुलजगतारं शरावसन्तं हृदया प्रणीते भवन् भवानि सहितं नमामि।
सब जगह दिखाना है घर में। इस तरह घुमा करके ओम अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रोधाया शांति वनस्पतया ओम मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सूर्येश्वर ठाकुर जी को जो है प्रणाम कर लीजिए। सभी देवी देवताओं को जो है प्रणाम कीजिए।